तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं डबल डेकर पे। तो कहीं ना कहीं डबल डेकर हमारे बहुत सारे मॉडल में अवेलेबल है, खास करके सैमसंग की तो मैक्सिमम ए सीरीज एम सीरीज बहुत सारे मॉडल में है। वन प्लस की जितने भी मॉडल है उसमें डबल डेकर है, लेनेवो के कुछ 8 मॉडल है, K8 नोट वगैरह उन सब में है, ठीक है। तो इन सारे मॉडल में डबल डेकर है। स्क्रीन पे एक आप लोग ना करें छेड़छाड़, ठीक है। तो इन सभी मॉडल में डबल डेकर है, तो वो कौन कौन सी स्टेज है जिस स्टेज में हमें डबल डेकर पे काम करना चाहिए, हम जरा इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। कंपनी ने डबल डेकर क्यों बनाया? कंपनी ने डबल डेकर क्यों बनाया? अब इसका तो 100% ओरिजिनल जवाब कंपनी दे सकता है, हम लोग तो सिर्फ इसके ऊपर पे एक टेक्निकल माइंड लगा सकते हैं। तो जहां तक मेरा सोचना है, कंपनी ने डबल डेकर इसलिए दिया है खास करके सैमसंग में, एक तो उनको स्पेस बचाना, यानी कि कम जगह में ज्यादा से ज्यादा आईसी को फिट करने का तरीका है डबल डेकर। जैसे कि अभी आज देख रहे हैं मोबाइल बड़ा होते जा रहा है, सर्किट छोटा होते जा रहा है, तो इसलिए उन्होंने डबल डेकर का काम कर लिया कि रैम को उन्होंने ऊपर बैठा लिया। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर वो तो जैसे ईएमएमसी के अंदर भी दिया जा सकता था, रैम और रोम या यूएफएस के अंदर भी दिया जा सकता था, फिर उन्होंने डबल डेकर ही क्यों बनाया, ये भी हो सकता है, दिया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। जैसे कि हमारे बहुत सारे फोन में है, ओप्पो में, तो सैमसंग का ना कुछ अलग ही तकनीक है, वो अपने तकनीक से काम करता है। आप शुरू से सैमसंग को देखते आ रहे होंगे। और दूसरा चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं वो फोन को इस तरह से जानबूझ के डिजाइन किया है ताकि हम उसके आईसी पे सर्विस कम कर सके, यानी कि रिपेयर कम कर सके। म्यूट कर लीजिए, कोई सवाल होगा तो ले लेंगे, फिलहाल म्यूट कर लीजिए। सर ये 132 के ऊपर जो 3.80 लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं सर? ये तो वोल्टेज है ना, ये क्या चालू वोल्टेज है और ये एम्पियर है, यानी करंट। डीसी पावर सप्लाई मशीन पे इतना अगर आप देंगे तो आपका इतना कंजप्शन उठा के स्टक मारेगा, ठीक है। 40 इंच का जो डीसी सप्लाई है ना कोराड, ये उसके अनुसार हम लिखे हैं, ठीक है। अभी देख पा रहे होंगे हमारे पास एक सैमसंग का फोन है, ठीक है। हम इस पे पहले आपको चेक करवाते हैं, फिर हम आपसे पूछेंगे कि क्या इसमें हमें कहाँ काम करना चाहिए, ताकि आपको भी समझ बाद। बाकी थोड़ा पटका हुआ है फोन, कोई बात नहीं है, जो भी हो। अब हम अपना मेन स्क्रीन शेयर कर देते हैं आपको। ठीक है, पहले ना सबसे पहला जो हमारा काम होता है कि कहीं से आपके पास फोन आता है तो आपका सबसे पहला क्या काम है, फोन पे लग जाना या पहले आईए स्कैन करना। तो सबसे पहला चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, कोई भी फोन अगर आपके पास रिपेयर होने के लिए आता है, बनने के लिए आता है, तो सबसे पहला चीज उसमें कुछ भी करने से पहले ना उसका जायजा लीजिए कि भाई अगला ने इस पे किया क्या है, ठीक है। अब अगला को ये भैया डबल डेकर के लिए काम के लिए आया कि किस वजह से डेट था, ये तो मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि कस्टमर तो सीधा सा बात है एक ही बात बोलता है कि भैया चालू नहीं हो रहा है देख, ठीक है। तो इसको ना आपको अच्छे से पहले जज करना है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा सा आ जाता हूँ वर्किंग मोड पे। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। ओके, ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे किन्हीं को कंफ्यूजन है तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। एक सेकंड होल्ड कीजिए, मैं अपना एक दूसरा विंडो खोल लेता हूँ, बस एक सेकंड। सर बकलाइन भी थोड़ा समझाते चलिए। अरे जरूर जरूर, अरे आप टेंशन ना लीजिए, हमारी जितनी कोशिश है मैं आपको समझा के ही छोड़ूंगा। हेलो सर, आप जब पावर आइस के आसपास जो डिफेंस चलाने का कैपेसिटर चेक कर रहे थे, वो वन साइड बीप करेगा, वन साइड ही जेआर देगा? हाँ, एक साइड तो वो ग्राउंड रहता है ना, वो पैरेलल में लगी हुई है। ओके, पैरेलल में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पैरेलल क्या होता है। यस सर। कंफ्यूजन है, यस या नो? नो सर। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ। सबसे पहला तो ये देख लीजिए कि आपका ये जो आईसी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, डीसी टू डीसी, और ये है हमारा बैटरी। माइक बंद कर लीजिएगा कृपया। ये हमारा B4 बैटरी है, एक हमारा इसमें से क्या हो जाता है ग्राउंड, और एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हमारा चला जाता है डीसी टू डीसी, ठीक है। क्या नहीं आ रहा है? नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है?
दिख रहा है सभी को? सही है सर, सही है सर, सही है, उनका प्रॉब्लम है। लॉगिन, लॉग आउट होके लॉगिन हो जाओ। अली भाई दिख रहा है सभी को? आप अपना जरा एक बार चेक कर लीजिए कनेक्शन, ठीक है? यहां तक समझ रहे हैं? जिनको भी कोई क्वेश्चन में डाउट हो चैट में लिख देना है। हरी जी पूछ रहे हैं कि सर डीसी टू डीसी कैसे पहचानेंगे, तो चलिए हरी जी एक शॉर्टकट है डीसी टू डीसी को पहचाने का। जब आप चार्जर लगाते हैं ना, तो चार्जर की जो 5 वोल्ट जिस आईसी में इनपुट होता है वही डीसी टू डीसी होता है। ओके, इतना तो आप ढूंढ लीजिएगा कि चार्जिंग का 5 वोल्ट किसके में घुस रहा है, वो तो ढूंढ लीजिएगा, ये तो बड़ी मुश्किल काम नहीं है। और दूसरा, बैटरी का जो पहला 3.70 वोल्ट है वो जिस आईसी में घुस रहा है वही डीसी टू डीसी होता है। जैसे ये देखिए आपका चार्जर है, ये ना चार्जर का पिन, एक मान लिया जाए आपका ग्राउंड हो गया, और दूसरा जो 5 वोल्ट है ये भी इसी में एंट्री होता है, ठीक है? ये है हमारा सीसी, ठीक है, चार्जिंग कनेक्टर। तो ये 5 वोल्ट भी इसी में जाता है, बैटरी का भी वोल्टेज इसी में जाता है, तो इसी को डीसी टू डीसी कहते हैं। और डीसी टू डीसी से यही वोल्टेज एक क्वाइल लग करके और एक डायरेक्ट, ये जाता है हमारा कहां, पावर आईसी में, जिसको कि हम लोग कहते हैं पीएम, जिसके आसपास ना ढेर सारा कैप लगा हुआ था। अभी आप देखे ना, जिसके आसपास ढेर सारा कैप लगा हुआ था, ये उसी की मैं बात कर रहा हूँ, एक समान जो कैप है, ठीक है? ये हमारा क्या है, पीएम है। उतना ज्यादा तो बोर्ड जैसा तो पिक्चर यहाँ नहीं है बनेगा, समझने के लिए काफी है। और यही वीपीएच इस तरह से आईसी में एक नहीं 5, 6, 7, 8, 10 लाइन इनपुट होता है। उसके बाद ये पीएम आईसी क्या करता है, यहाँ से क्वाइल लगा के वोल्टेज बनाना स्टार्ट करता है। ये क्वाइल लग करके जो वोल्टेज बनता है ना, जितना भी ये क्वाइल जो आप देख रहे हैं अभी, जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये क्वाइल का इमेज है। ये सब चीज तो पहचानने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैंने शुरू ही में ही बेसिक में पढ़ाया था क्वाइल का इमेज कैसा होता है, यानी सिंबल, ठीक है? ये हमारा जा रहा है। अब ये वोल्टेज हमारा जो बनता है, इनमें से कुछ सप्लाई रिटर्न हमारा पीएम में ही चला जाता है, ऐसे समझ लीजिए। कुछ वोल्टेज जो है वो रिटर्न हमारे पीएम में ही चला जाता है, बनता भी है और पीएम में ही चला जाता है, ठीक है ना? इस जो पीएम में रिटर्न जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं हाई एलडीओ, हाई एलडीओ, और एक को कहते हैं लो एलडीओ, ठीक है? जो हाई एलडीओ होता है वो करीब 2.2 के करीब होता है, और जो लो एलडीओ होता है वो करीब 1.3 वोल्ट के करीब होता है। ओके, ये वोल्टेज बनता है आपके फोन में। बाकी का जो 4-5 बक बनता है, उसके ना सप्लाई चले जाते हैं आपके सीपीयू में, ठीक है? ये कहां चला जाता है हमारा, सीपीयू में। अब ये सीपीयू में क्वाइल लग करके सप्लाई सारा जाना चालू हो गया। अब आप पूछेंगे कि सर ये कितना कितना वोल्टेज होता है, ये जो सीपीयू में जा रहा है कि सर ये कितना कितना वोल्टेज होता है, तो ये वोल्टेज हमारा 0.80, ठीक है, 0.80, 1.0 या 1.2, यही समथिंग करीब में रहता है। ये सब मॉडल का थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा। सब मॉडल का मतलब है कि अगर पीएम नंबर यहाँ 5713 है, एक मैंने एग्जांपल दिया 5713 है, वो भी मैं बता दूंगा वोल्टेज कैसे चेक करते हैं। तो मान लिया जाए ये पीएम 5713 है, तो दुनिया के जितने फोन में पीएम 5713 लगी हुई है, उस सभी फोन में ऐसा ही वोल्टेज बनेगा। और अगर मान लिया जाए 5718 है, तो हो सकता है वोल्टेज में कुछ वेरिएशन आ जाए, ठीक है? अब इसमें क्या होता है, हम जो पावर की प्रेस करते हैं, तो पावर की का जो कनेक्शन है ना सैमसंग में कैसे बनता है समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी हम सैमसंग बता रहे हैं। तो सैमसंग में एक वोल्टेज हमारा जो है ना, एक कनेक्शन निकलता है आपके पीएम से, ठीक है, और दूसरा जो वोल्टेज है ना आपके वीपीएस से लिया जाता है। कितना, आपके वीपीएस से 10 किलो का रेजिस्टेंस लेकर के एक पॉइंट पे दिया जाता है, और आपके पीएम से 5 किलो का रेजिस्टेंस लेकर के एक पॉइंट पे दिया जाता है। और जब इस दोनों पॉइंट को हम सटाते हैं ना, तब जाकर के आपका हैंडसेट ऑन होने लगता है। यानी सैमसंग में आपने देखा होगा ऑन ऑफ बटन के एक पॉइंट पे 3.70 वोल्ट देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप सैमसंग छोड़ के अदर फोन पे जाइएगा तो ऑन ऑफ के एक पॉइंट पे 1.8 वोल्ट मिलता है, 2.2 या 2.8 मिलता है, और दूसरा पॉइंट निगेटिव होता है। लेकिन सैमसंग में दूसरा पॉइंट या पहला पॉइंट कोई निगेटिव नहीं होता है, दोनों पे वोल्टेज ही रहते हैं,
आई बात समझ में, ये सैमसंग का फंडा है। ओके, ये सैमसंग का रूल है कि ऑन ऑफ के दोनों पॉइंट पे वोल्टेज आते हैं, एक पे 3.70 के करीब और एक में बहुत ही माइनर सा वोल्टेज आएगा, यानी बहुत ही कम। और जब यही वोल्टेज आप क्रॉस करके ट्विजर सटा के इधर करते हैं तो आपका पीएम क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। ये सैमसंग का रूल है। ये सब चीज आपको हम ना बोर्ड पे भी दिखाएंगे और स्कमेटिक में भी दिखाएंगे। ये तो हमने एक थ्योरी आपको बताया, ये मैथ का पहला प्रभाव है। पूरी मैथ की जो डिफिनेशन है वो होता है स्कमेटिक में, लेकिन ना ये कच्चा चिट्ठा है। ये चीज पहले आपको पता होनी चाहिए कि ये सिस्टम चलता कैसे है। तो अभी जो हमने इस फोन में देखा, जो महसूस किया, उसके अनुसार क्या है कि इनमें से कोई ना कोई बक लाइन हमारा शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, इनमें से जो ये बक लाइन है, कोई ना कोई इनमें से ये जो बक लाइन है हमारा शॉर्ट हो रहा है। ठीक है, हमारा बक लाइन शॉर्ट हो रहा है। तो हम इस चीज को क्या करेंगे, अब हम बोर्ड पे आएंगे और इसको चेक करेंगे, क्योंकि बक लाइन का वोल्टेज आफ्टर प्रेस पावर की के बाद बनता है, यानी पावर की को जब आप दबाते हैं उसके बाद बनता है ये वोल्टेज। ठीक है, और जो पीएम से निकल रहे है कॉइल उसको बक लाइन बोलते हैं, और वीपीएच जो डीसी टू डीसी से निकल रहा है वो वीपीएच है। ये देखिए, ये हमारा वीपीएच बन गया और ये हमारा भी बैट बन गया। ठीक है, और ये जो यूएसबी है, यूएसबी या चार्जर, ये हमारा भी बस बन गया, इसको भी बस कहते हैं। और वीरेक, हाँ वीरेक। अब ये जो बक के बाद जो पीएमआईसी वोल्टेज निकालता है, पीएमआईसी बक के बाद भी बहुत सारा वोल्टेज निकालता है इस तरह से। ठीक है, ये तो ये जो लाइन बन रहा है ना, इस लाइन को बोला जाता है L1, L2, L3, जितना लाइन बनेगा, ये कम से कम 24 से 25 लाइन बनता है। यहाँ तो एग्जाम्पल और छोटी जगह होने की वजह से मैंने L1, L2, L3 बनाया। इस तरह से ये 20 से 24 लाइन बनते हैं L1, L2, L3। कैप साइज सटा नहीं। अब देखिए, यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है। ठीक है, ये इसका लाइट आईसी होता है, इसको ना आपको सिल्वर टेप से बंद कर देनी है। सर वो दूसरा कैमरा थोड़ा सेट कर दीजिए। ठीक है, अब हम इसका पोजीशन ले लेंगे, किस तरह से आप लीड इंसर्ट करना चाहते हैं। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? जी सर। सर इसको भी आप इंसर्ट करके और वॉल्यूम की तरह घुमाओगे? हाँ, अब जो हमारा अभी टेम्परेचर है वो हम सबसे पहले मात्र 250 का टेम्परेचर लिए हैं अभी, इसको ना प्रीहीट करने के लिए। ठीक है, अभी ये है इसको प्रीहीट करने के लिए। सर एसएमडी का जो वो टोपी, वो बड़े वाला होल्स का लगा है कि छोटे टाइप का? मिडिल नोजल। ठीक है, प्रीहीट हमारा समथिंग हो चुका है। अब हम ले लेंगे 300। यहां देखिए, कोने से हमने इंसर्ट किया है ब्लेड को, देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है? सर आपने जो हीट बढ़ाया है उसको गान को रख के बढ़ाया ना, गान को हाथ में लेके बढ़ाया? ग्राउंड गन हाथ में ही है। लेड आराम से अंदर जानी चाहिए। ठीक है,
देखिए ब्लेड इंसर्ट करने वक्त हमारा ये यहां से एक कैप हिला है, ठीक है, इस पे नजर रखनी है। ऐसी पीछे से चिपक गया है तो हल्का हीट कर लेंगे, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती खींच लेंगे, नहीं तो हमारा वर्किंग ट्रैक भी चला जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमारा आईसी रहा, ठीक है, आईसी को अब साइड कर लेंगे दोनों को। अब हम मदरबोर्ड को थोड़ा क्लीन कर लेंगे ताकि, और एक कैपेसिटर जो हिला है उसको थोड़ा जगह पे ले लेंगे। हेलो संतोष सर जी, सर प्रोसेसर भी शॉर्ट हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है, सर प्रोसेसर उठाने के लिए आपने मैक्सिमम हीट क्या रखा? 300 तो मदरबोर्ड रोटी की तरफ फूल जाएगा, इसीलिए ना लो टेम्परेचर में क्या होता है कि 300 में हम थोड़ा टाइम दे सकते हैं बोर्ड को, ऐसा नहीं है कि हम हरवरा के खींच लेंगे आईसी, थोड़ा टाइम दे सकते हैं लेकिन आईसी हमारा आराम से निकल जाएगा। सर अगर बन जाएगा रिवॉल्व वगैरह करके डबल डेकर तो इसका बिल भी तो तगड़ा होना चाहिए। ज्यादा थोड़ी ना लेंगे, 2500-3000 रुपया से क्या लीजिएगा ज्यादा? अभी से आपकी नियत खराब होने लगी, पहले ठीक तो होने दो। लगता है आपने डबल डेकर का भी खोला नहीं है। मेहनत बहुत ज्यादा है सर डबल डेकर। हाँ तो मार्केट में काम करने वाले बंदे भी तो डबल लेकर के कम है ना, आप मैक्सिमम तक चल रहा है, डर लग रहा है आपको। सुनो भाई, जब तक डबल लेकर ऑन ना हो तब तक लेन देन के बारे में कुछ नहीं सोचना होता है, नहीं तो नहीं होगा ऑन। अगर पहले सोच लिया कि 3000 बोलेंगे तो नहीं होगा। सर हम तो 3000 ही लेते हैं सर, 2500-3000 से कम नहीं करते। नहीं मैं दुकानदार रहता तो 1500 रुपए लेता हूँ, कस्टमर रहा तो 2000-1800। ये सब मेरे पास ना ज्यादा दुकानदार ही आते, मैं कस्टमर का इसलिए नहीं रहता ना कि मुझे चीक चीक पसंद नहीं है। मैंने पहली एमएमसी का वर्क फ्री में किया था। सर आप तो कुरियर से भेज दो तो होगा? कुरियर में एक्सेप्ट नहीं करता बॉस, क्यों नहीं होगा, 100% होगा। इसलिए सर, हम लोगों के लिए कि देखिए इसलिए नहीं करता ना कि दिन मेरा दिन भर ऑफलाइन में निकल जाता है, रात आप लोगों के साथ में गुजारता हूँ, आने वाला कुछ दिन हमारे पास वक्त है आप लोगों के बाद कि दिन में फिर मैं सपोर्ट के लिए आऊंगा आपके पास एक घंटे के लिए, तो समय नहीं बच पाता है। मैं ले लूँ ना करूँ फिर आप भी नाराज, सर मेरा कुरियर में 500 रुपए खर्चे भी हो गए, काम भी नहीं हुआ, आप किए ही नहीं, इसलिए सर ऑफलाइन की वीडियो यूट्यूब पे नहीं डालते हो क्या? ऑफलाइन जो करते हो डालता हूँ, ऑफलाइन का भी डालता हूँ, कम डालता हूं। नहीं सर मैं टाइम नहीं है सर आपके पास सर। तो एक्चुअली यही बात है, ऐसा बात नहीं कि मैं कुरियर लेना पसंद नहीं करता, लेता हूं जब काफी टाइम लिया है, और हमारे भी खुद के दो-दो शॉप हैं तो टाइम का मेन ये हो जाता है, और कोई बात नहीं। नहीं सर टाइम लेके भेजू तो सर? हां लेके भेजिए, अगर 15 दिन 20 दिन भी लगे तो टेंशन ना हो तो मैं ले लूंगा, नो प्रॉब्लम। नहीं सर टेंशन नहीं लेना, 15-20 दिन तक तो कस्टमर ही मर जाएगा। नहीं सर नहीं कुछ कस्टमर रहता है वो छोड़ता है फोन, तो हमारा यहां दिक्कत क्या बात चल रही है सर, थोड़ा हमारा यहां दिक्कत क्या होता है, आपको आपका पास इजीजेटेक बॉक्स है वो जो हमारा पास नहीं है, इसलिए जो काम फंस जाता है वो लोग तो छोड़ता है ना। अरे आप कुछ दिन सबर कीजिए ना, आपको ही तैयार कर दूंगा, आप काहे इधर उधर भेजेंगे, आप मुझे भेजने के लिए थोड़ी ना आप हमें फीस दिए हैं। नहीं सर वो बात तो नहीं सर, मैं तो पहले से ही आपसे क्लास लिया हूँ सर, वो तो आपको मैंने बताया, लेकिन वो जो बॉक्स का फंडा है ना वो इधर देखिए, देखिए ठीक है या गलत है?
मजा आ गया। ओके सर, आई बात कुछ समझ में? जी सर। ठीक है सर, हट गया। ओके, कुछ सीखने को मिला कि कैसे डबल डेकर में काम करते हैं? बहुत जी सर, मजा आ गया सर। चलिए डबल डेकर का आप सबसे ज्यादा मजा आया। हेलो सर, संतोष सर, मैंने आज सवाल सर एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।